दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का मकसद है आप तक वो सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर पहुंचाना जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है IFS का नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे थे कि अगर हम IFS क्लियर कर लेते हैं, ये IFS करने के बाद में हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या हमारी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, इन सभी के बारे में उनके सवाल थे। लेकिन दोस्तों क्या आपको सही में लगता है कि फिर आपने IFS का फॉर्म जो है वो सही तरीके से भरा है? एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपने वो फॉर्म फिर क्यों भरा है जब आपको ये नहीं पता है कि IFS होता क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं जाना है, देरी नहीं हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको IFS के बारे में संपूर्ण गाइड आपको मिल जाएगी जिसमें आपको IFS से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे IFS का जो ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है। जी हाँ, IFS की ट्रेनिंग के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हम चैनल स्टडी सेक्टर 135 पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अपडेट और हर एक एग्ज़ाम की करियर गाइडेंस आपको सबसे पहले वहीं मिलेगी। सो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले IFS की ट्रेनिंग की। दोस्तों भारतीय विदेशी मंत्रालय के कार्यों के संचालन के लिए एक विशेष सेवा वर्ग का निर्माण किया गया जिसे भारतीय सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं। ये भारत के पेशेवर राजनयिकों का एक निकाय है। ये सेवा भारत सरकार की केंद्रीय सेवाओं का हिस्सा है। भारत के विदेशी सचिव भारतीय विदेश सेवा के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ये सेवा अब संभ्रांत परिवारों, राजा रजवाड़ों, सैनिक अफसरों आदि तक ही सीमित न रहकर सभी के लिए खुल गई है। सामान्य नागरिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से इसमें जा सकते हैं, लेकिन योग्यता के रूप में आपका सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। बात करें प्रशिक्षण की, दोस्तों भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित नए सदस्यों को 3 साल यानी कि 36 महीनों की अवधि महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम से होकर गुजरना होता है। ये प्रशिक्षण जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ उन चरणों में संपन्न होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है आधारभूत प्रशिक्षण जो कि 4 महीने का होता है राष्ट्रीय अकेडमी मसूरी में, और फिर आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण 12 महीनों का होता है जिला कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल न्यू दिल्ली में। थर्ड स्टेप आती है व्यवहारिक प्रशिक्षण जो कि 6 महीने का होता है विदेश मंत्रालय के अंतर्गत। फोर्थ स्टेप आती है परिवीक्षा प्रशिक्षण, 14 महीने का होता है विदेश स्थित उच्चायुक्त या फिर दूतावास के अंदर होती है। तो कुछ इस स्टेप्स में इनकी ट्रेनिंग होती है। सर्वप्रथम इन प्रशिक्षुकों अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी में 4 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां कई अन्य विशिष्ट भारतीय सिविल सर्विसेज संगठनों के सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। एक नए सदस्य एक परिवीक्षा अवधि से गुजरते हैं, इस दौरान इन्हें परिवीक्षार्थी यानी प्रोबेशनर कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परिवीक्षार्थी आदि के प्रशिक्षण के साथ विभिन्न सरकारी निकायों के साथ संलग्न होने और भारत में विदेश में भ्रमण करने के लिए न्यू दिल्ली स्थित विदेश सेवा संस्था में दाखिला लेते हैं। इन प्रशिक्षुकों अधिकारियों को इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज न्यू दिल्ली में 4 महीने का विदेश नीति तथा कार्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा भाषा की जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके पश्चात आपको अधिकारियों को 6 महीने के लिए किसी जिला प्रशासन में संलग्न किया जाता है ताकि ये दायित्व के व्यवहारिक संपर्क में आने के योग्य हो जाएं। साथ ही इन्हें कुछ समय के लिए विदेश मंत्रालय के सचिवालय में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। IFS के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाषा हिंदी और विदेशी भाषा होती है। ऐसे विषयों के अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है जिनका ज्ञान प्राप्त करना एक IFS अधिकारी के लिए आवश्यक समझा जाता है। नए सदस्यों को कुछ दिनों के लिए सेना की यूनिट में तथा भारत दर्शन के लिए भी भेजा जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर अधिकारियों को अनिवार्य रूप से एक विदेशी भाषा सीखने का जिम्मा दिया जाता है। एक संक्षिप्त अवधि तक विदेश सरकार के साथ संलग्न रहने के बाद अधिकारी को विदेश में एक भारतीय राजनीय मिशन में नियुक्त किया जाता है।
जहाँ की स्थानीय भाषा CFL होती है, वहाँ अधिकारी भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और फिर इन्हें CFL में दक्षता प्राप्त करने और एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद इन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से IFS की ट्रेनिंग होती है। इसमें IFS अधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः दूतावास या वाणिज्य दूतावास एवं विदेशी मंत्रालय में की जाती है। ये विदेशों में अपनी सेवा तृतीय सचिव के तौर पर आरंभ करते हैं, तृतीय सचिव के रूप में पदोन्नत कर दिए जाते हैं। IFS अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ पद स्थापना राजदूत या विदेश सचिव के रूप में होती है। मैंने ऑलरेडी हमारे वीडियो में मैंने आपको बता रखा है इनका पूरा डिटेल गाइड। अब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि आखिर में आपका काम क्या होता है अगर आप एक IFS की पोस्ट पे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भारत की विदेश नीति के निर्माण में आपका कार्य होता है। अपने दूतावासों, उच्च योगों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों के स्थायी मिशनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विदेश में उन घटनाक्रमों को सही सही जानकारी देते हैं जो भारत के नीति निर्माण को प्रभावित करती है। मेजबान राष्ट्र के प्रधानाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर समझौता वार्ता करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है IFS की ट्रेनिंग के बारे में, साथ ही इनका काम क्या होता है इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, मेरी ये कोशिश छोटी सी आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर मुझसे कोई जानकारी देना रह गया हो तो प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अगर मुझ में कोई गलती रह गई हो तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। साथ ही अगर आपको कुछ और भी जानना है तो उसका आंसर भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। हमारी टीम 24 आवर्स आपके लिए काम करने के लिए ही बैठी है। सो बस आपको करना कुछ नहीं है, अपने लिए एक सही करियर की समझ लेनी है जिससे कि आप अपने करियर को, अपने भविष्य को सुधार सकें। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सेक्टर 135 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।